हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिल्वर फॉक्स के हमारे यूट्यूब चैनल की और एक नया एंड फ्रेश वीडियो में। तो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सब लोग अच्छे हो एंड बढ़िया हो और आगे भी अच्छे रहना। तो भाई लोग, आज आप उन लोग खेलूँगा डू वर्सेस स्क्वाड रैंक मैच। तो अभी हम लोग लैंड कर चुका हूँ मिल पे और यहाँ पे 2-3 स्क्वाड आ गया है। तो अभी क्या इन बंदों को हम मार पाऊँगा एंड गेम को लास्ट तक भैया कर पाऊँगा, सब कुछ देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। तो भाई मेरा हो गया 1 किल और मेरे पास है अभी MP40 और प्लाज्मा। तो MP40 का अंदर एक भी एमओ नहीं है, सॉरी एक एमओ है और प्लाज्मा है। प्लाज्मा तो भाई आप लोग जानते हो कैसा गन है, सिर्फ चार्ज होगा और एनिमी को धड़ाधक धकाधक मारेगा। तो चलो SFG राहुल की साइड थोड़ा बंदा है लगता है, तो बंदा है भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि भाई मेरे पास शॉर्ट रेंज का गन का कोई एमओ नहीं है और लॉन्ग रेंज से मारने की कोशिश नहीं करूँगा मैं, क्योंकि अभी वो लोग 2-3 बंदे एक साथ होगा तो रिवाइव कर देगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अभी थोड़ा लूटने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं जाऊँगा नीचे की तरफ और मैं उसको बोल दिया भाई, वो स्क्रीन रिकॉर्ड उसका वॉइस नहीं आ रहा था, उसको बोल दिया मैं मेरे साइड आ जाने के लिए, इधर लूट है, लूटने के लिए उसके बाद राश करूँगा। तो भाई मैं अभी ले लूँगा 2 गोली शॉटगन, मतलब M1887। और भाई M1887 का भी मेरे पास 1 मैन 5 वाला जो स्किन है वो है। तो अभी हम लोग जाएगा ऊपर की साइड और देखेगा कि किसी को मार पाऊँगा या नहीं। तो अभी थोड़ा देख लेता हूँ उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि अगर ऊपर एनिमी ऐसे बैठा होगा तो हेडशॉट आ जाएगा मेरे ऊपर, इसलिए डायरेक्ट नहीं जा रहा हूँ। तो अभी जाऊँगा मैं ऊपर की तरफ और साइड से जाऊँगा भाई कवर लेके, नहीं तो भाई मार देगा तो पूरा गेम भाई फॉकेट में हो जाएगा। तो अभी इधर साइड तो बंदा है, इधर साइड जो मतलब मेरा लेफ्ट साइड बंदा है, राइट साइड क्या है पता नहीं है, देखूँगा, क्योंकि राइट साइड भी हो सकते हैं भाई। वो उधर एक बंदा था ना जो राहुल की साइड फाइट कर रहा था, वो उधर हो सकते हैं। तो बोला ना है वो, देखो वो है, उसको मैं मारने की कोशिश करूँगा मैं थोड़ा शील बना के, क्योंकि ऊपर है वो, मेरे ऊपर थोड़ा सा भी हेड आ जाएगा, सॉरी दिखाऊँगा तो हेड आ जाएगा, तो इसलिए शील बना के मारने की कोशिश कर रहा था। वो ग्लोअल डाल के भाग गया। तो अभी क्या करेगा, अभी SFG राहुल की साइड भी बंदा है, वो रेड डॉट आया है, मैं जाऊंगा उधर उसको जाके उसको मारने की कोशिश करूंगा। तो देखता हूँ उसको मार पाता हूँ या नहीं, या क्या मैं ही मर जाता हूँ। ऊपर की साइड जो बंदा था वो साला किधर भाग गया पता नहीं है, वो राश कर देगा पीछे से, तो भाई हमारा तो राम राम सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं जो भी होता है भाई देखता हूँ, इधर से जाके उसको मारने की कोशिश करता हूँ। ये भाई एनिमी मेरे पीछे सामने है और उसको मैं आराम से मार दिया हेडशॉट के साथ। तो ऊपर से बंदा मारा जो मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ 50-60 का डैमेज आया, तो वो मैं मेडिकेट कर लिया। तो भाई इधर अभी जाऊँगा, हम पीछे से जाऊँगा, इधर से जाने के बाद हेडशॉट आ सकता है और हम नॉक हो जाऊँगा, तो क्या पता राहुल मुझे रिवाइव करेगा या नहीं करेगा, कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम सीधा सीधा नहीं जाऊँगा और जाऊँगा पीछे से। तो भाई पीछे से बहुत ढूंढा, इन्हें भी नहीं मिला और कुछ ऐसा कुछ मतलब था नहीं, जो सीरियसली कुछ था नहीं जो आप लोगों को दिखाऊँगा, इसलिए ये इस जगह को कर दे काट। तो भाई यहाँ पे मेरे साथ हो गया चिमकंडी गिरी, मुझे लगा यहाँ पे राहुल आया था लेकिन राहुल नहीं आया था, एक एनिमी आया था जो मुझको डैमेज दिया सा हो रहा था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं उसको मार दिया। तो भाई लोग वीडियो को अभी फिर से कर दूंगा काट, क्योंकि इधर मैं पीक और बीमा शक्ति की साइड बहुत मतलब ढूंढ रहा एनिमी एक भी नहीं मिला। तो इस जगह को काट करके मैं आप लोगों को लेके आया पुचिनोक जहाँ पे भाई आपसे वीडियो काट नहीं होगा, आपसे सिर्फ एनिमी होगा। और भाई एक अच्छा सा, मेरे लिए तो अच्छा सा गेम प्ले था, आप लोगों को के लिए क्या है पता नहीं है। तो आप लोगों को देखा, आप लोग अभी पूरा देखो वीडियो को और बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई। तो भाई अभी 4th जोन स्टार्ट हो जाएगा और
यहाँ पे मतलब एनिमी जिंदा है, ज़्यादा एनिमी हम लोगों को छोड़ के 12 एनिमी अभी भी जिंदा है। तो इधर से जाएगा हम पीछे से, क्योंकि पीछे से कवर है। तो भाई अभी हम लोग जोन की कवर लेके जाने की कोशिश करूँगा, जोन की मतलब अंदर, और जोन की कवर लेके सॉरी भाई फैक्ट्री का जो मतलब बाउंड्री है और घर की वॉल है उसकी कवर लेके जाने की कोशिश करूँगा और एनिमी को मारने की कोशिश करूँगा। तो भाई इधर मतलब बंदा तो है लेकिन कहाँ है अभी तक देखा नहीं। एक एयर ड्रॉप जून की बाहर है तो मुझे लगता नहीं है वहाँ पे बंदा होगा। एक एयर ड्रॉप यहाँ है मतलब यहाँ पे बंदा है, तो हम जाएगा इधर से और उसको मारने की कोशिश करूँगा। तो भाई यहाँ पे भाई एक दो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर ड्रॉप ही फेंक रहे हैं बंदे लोग। भाई इधर दो तीन बंदा है भाई, मैं एक भी मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाया तो इसको कर दिया। मेरा जो स्क्वाड मैन है राहुल उसने किल, तो और भी इधर तीन बंदा था तो एक को तो किल हो गया और दो बंदा है किधर है अभी भी पता नहीं है। तो मुझे अभी मिल गए एक ही बहुत देर बाद। तो अभी भाई एक का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि मैं अभी तो शॉर्ट रेंज की गन से ही खेलूँगा जो MP40 मेरे पास है। तो क्या होता है अभी इधर एक बंदा देखा मैंने तो उसको मारने की कोशिश करूँगा। तो हाँ भाई ये चिमकंडी गिर हो गया भाई, सीरियसली ये चिमकंडी गिर हो गया, ये क्या हो गया, टायर के ऊपर जंप आ गया भाई, नहीं तो उसको मार देता या तो मुझे मार देता। वो जो भी हो अच्छा ही हुआ तो लो उसको मारने की कोशिश करूँगा पीछे की साइड से। तो भाई ये हो गया किल, तो भाई मेरा हो गया 6 किल। तो भाई बहुत ही दमदार मैच भाई, और भी 7 बंदा अलाइव है, देखता हूँ कुछ और भी कुल किल लूट पाता हूँ या नहीं। तो अभी इधर दो बंदा आया था, एक को लगता है राहुल ने मार दिया और एक को मैंने मार दिया। तो अभी जोन स्टार्ट हो गया, बहुत भाई छोटा हो गया जोन, ये 5वां जोन है तो अभी लास्ट जोन है। तो अभी की बात भाई किसी ना किसी तो भूया करेगा ही। तो इधर बंदा आया एक, इसको मैंने मार नहीं पाया पूरा, तो इसको मार देगा SFG राहुल, तो मैं इसको मार दिया भाई किल। ओ भाई मेरा जो फटना था उसको मार भी दिया भाई, सीरियसली भाई कैसे मारते हो पता भी नहीं चला, और ये साला मेरा फील के अंदर आके मुझे मारने की कोशिश कर रहा था भाई, सीरियसली ये कैसे अंदर आ गया भाई, मुझे लगा कि ये अंदर नहीं आ पाएगा, ये कैसे कैसे अंदर भी आ गया भाई। अच्छे हुआ उसको अभी अंदर मतलब फंसा दिया और मैं आ गया इधर से। अबे साले फंसा नहीं, कैसे मुझे फिर से मार रहा था भाई, मुझे लगा वो मतलब बाहर नहीं आ पाएगा। तो अभी लास्ट दो बंदा एक को कर दिया डाउन और दूसरे को कर दिया किल। तो भाई इसी साथ हो गया मेरा 8 किल और डूबा से स्क्वाड रैंक मैच का हो गया भुइया। तो भाई एक ओपी सा भुइया के साथ वीडियो होता है यहाँ पे एंड। और भाई लोग आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर चैनल को कर देना सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना। तो बाय बाय दोस्तों, अच्छे रहना।